नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेड एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गूगल स्टोर पर हम आ चुके हैं। यहां पर 22 अगस्त 2019 को क्रेड एप्लीकेशन में एक अपडेट आया जिससे क्रेड का पहनावा और ढावा सारा कुछ चेंज हो चुका है, यानी कि सेटिंग वेटिंग किधर चला गया है कुछ पता नहीं चलता। तो आज का ये वीडियो यही नहीं बल्कि बहुत सारे कुछ होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि कुछ आपको नया नया अपडेट भी देना है क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर को लेकर, और कई सारे अपडेट आपको यहां पर देना है कि कैसे क्या होगा और कैसे कब ट्रिक अपलोड किया जाएगा यहां पर नया जो ट्रिक आएगा क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के बारे में। लेकिन मैं तो सोचा कि यहां पर क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे दूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लगातार मैसेज और कमेंट हमें ये मिल रहे थे कि क्रेडिट एप्लीकेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा, कैशबैक कहां है, रिवार्ड कहां है, क्या बंद कर दिया गया। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे कुछ नए अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग क्रेड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आसानी से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद क्या होने वाला है वो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर जब आप क्रेड एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको नजर आएंगे। पहले इसका लुक जो है चेंज था, यानी दूसरा लुक में था, लेकिन अब आपको ज़्यादातर आइकन के साथ अपना समय गुजारना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड का आइकन शो हो रहा है। तो कार्ड के आइकन पर जब आप क्लिक करोगे तब नीचे में लिखा मिलेगा कार्ड, ठीक है। यहाँ पर होम का आइकन शो हो रहा है, तो होम पर जब क्लिक करोगे तब लिखा मिलेगा होम, यानी कि पहले यहाँ पर लिखा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बिल वगैरह पेमेंट करना है तो कार्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो टैप कीजिए। टैप करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर लीजिए। अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू कार्ड पर क्लिक करके आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड काफ़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें रिवार्ड वगैरह की, तो रिवार्ड वगैरह देखने के लिए आपको लास्ट वाला ये 3 वाला जो ऑप्शंस मिलेंगे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो भी यहाँ पर ऑफर वगैरह रहेंगे ना वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर रिवार्ड देखने के लिए आपको कंट्रोल वाले ऑप्शंस पर जाना होगा। यहाँ पर ऊपर में कंट्रोल वाले ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सप्लोर लाइफस्टाइल की सबसे पहले ऑप्शंस आएगी, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड की ऑप्शंस आएगी, उसके बाद यहाँ पर क्वाइन कितने हैं नज़र आ जाएंगे, जेम्स नज़र आ जाएंगे, साथ ही साथ आप जो भी रिवार्ड यहाँ पर लिए रहेंगे कूपन वगैरह या फिर गिफ्ट कार्ड वाउचर वगैरह परचेस किए रहेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस पर टैप करके आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ एक फैसिलिटी आपको यहाँ पर ये मिल जाती है कि यहाँ पर बैकग्राउंड इसका वाइट है, अगर इसको डार्क मोड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैप करके इसे डार्क मोड में कर सकते हैं। यहां पर आपको टैप करना है और डार्क मोड में भी कर सकते हैं। यहां पर अगर टाइमिंग वाला हिस्ट्री देखा जाए तो आपको यहां पर पूरा हिस्ट्री नजर आ जाएंगे, जो आप क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह पेमेंट किए रहेंगे वो सारा कुछ नजर आ जाएंगे, सक्सेसफुल फेल फेल ये सारा कुछ आपको नजर आ जाएंगे, पेमेंट हिस्ट्री यहां पर टोटल नजर आ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर में अकाउंट की आपको ऑप्शंस मिलेगी, जहां पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। एक डार्क मोड वाले ऑप्शंस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा जिसे आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, यानी कि नाइट मोड में रात में अगर इसे इस्तेमाल करती हैं तो आप नाइट मोड में कर लीजिए, और दिन में इस्तेमाल करती हैं तो यहाँ पर डार्क मोड ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह सारा कुछ रेंज शो हो जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने अब तक कितना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया, कितना हिस्ट्री में दिखा रहा है, ये सारा कुछ नज़र आ जाएंगे। लास्ट बिल आपने कितना पेमेंट किया है ये भी आपको दिख जाएगा, और व्यू ऑल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके सभी ट्रांजेक्शन आप देख सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको क्वाइन जिम्स वगैरह देखने को मिलेंगे और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। अगर सपोर्ट और पेमेंट हिस्ट्री और पेमेंट सेटिंग्स और इंस्टेंट रिफंड वाले बात करें तो यहां से आपको क्विक एक्शंस वाले ऑप्शंस में आपको सारा कुछ नजर आ जाएंगे, जहां पर लॉग आउट भी आपको नजर आएगी। तो यही छोटी सी अपडेट था जो कि एक बहुत बड़ा लुक चेंज कर दिया है क्रेड एप्लीकेशन का। तो विशेषतः आप लोग 2-3 बार इसे ट्राई करोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, पहले वाला भूल जाओगे और अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्रेड एप्लीकेशन कैसा है। जैसे सोच लो कि अगर पहले ही क्रेड एप्लीकेशन को कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता तो अब तक आप लोग समझ चुके होते, लेकिन मैं जानता
जानता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप पुराना वाला वर्जन देख चुके हैं और इनका जो पुराना वाला लुक है वो आप देख चुके हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट के बारे में बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के बारे में। तो हालांकि बहुत सारे लोग ये कमेंट किए हुए थे कि क्रेड एप्लीकेशन पर कौन से वर्चुअल कार्ड काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि दो ऐसे वर्चुअल कार्ड है जो अभी काम कर रहा है क्रेड एप्लीकेशन पर, लेकिन वो फ्री नहीं है। आप क्रेड एप्लीकेशन पर पेमेंट करोगे ये फ्री है, लेकिन उस वर्चुअल कार्ड वाले वॉलेट में ऐड करोगे तो वहां पर आपसे 2% से लेकर 3% तक चार्ज किए जाते हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा कि कौन से वर्चुअल कार्ड काम कर रहा है अभी क्रेड एप्लीकेशन में। दूसरे नंबर अपडेट के बारे में बात करूं तो इस वीडियो के बाद एक दो वीडियो के बाद एक वीडियो और डाली जाएगी क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर की, जो कि मर्चेंट अकाउंट बनाने के बाद आप लोग काफी आसानी से कर सकोगे। तो यहां पर जो वो वीडियो डाली जाएगी वो यूट्यूब पर ही डाली जाएगी, लेकिन वो वीडियो अनलिस्टेड रहेगा। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज पर, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, उसे लाइक और फॉलो करके रहिए। दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों हम फेसबुक पर लिंक को शेयर करेंगे, मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पर पब्लिक ना करके उसका लिंक जो है अलग कहीं दे दीजिए, या फिर कहीं अलग वीडियो डाल दीजिए, या फिर अलग ट्रिक बता दीजिए, जिससे इंस्टेंट में यहाँ पर उस एप्लीकेशन पर ट्रैफिक नहीं आएंगे और क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर वाला ट्रिक बंद नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जितने लोगों ने जो फेसबुक पेज को लाइक कर लिया है उनको ये लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और एक दो दिन बाद यूट्यूब पर भी पब्लिक कर दिया जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि यह जो ट्रिक अपलोड करूंगा इसमें इंस्टेंट में ट्रैफिक जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिनके पास वो सुविधा उपलब्ध है वही क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर कर पाएंगे, और जिनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है वो दो तीन दिन बाद सेटल करते करते क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। जितना हो सकता है मैं मदद जरूर कर दूंगा, उस ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा और उसके बाद जो भी प्रक्रिया रहेंगी इसके बारे में भी मैं मदद जरूर करूंगा। इसलिए अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फेसबुक वाला पेज को लाइक करके रखिए, क्योंकि ट्रिक का जो लिंक है वो कब दिया जाए ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कि कब ट्रिक हम अपलोड कर देंगे। हालांकि अभी तक वीडियो हम बनाए नहीं है बल्कि चेक करके रखे हुए हैं, और आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि INT हिंदी टेक ही एक ऐसा चैनल है जो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का रेगुलर वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहा है, जो चाहे पुराना हो या फिर नया हो 100% वर्किंग के साथ होता है। और इस ट्रिक के बारे में बता दूँ तो YouTube पर पहली बार ये वीडियो डाली जाएगी, यानी कि एक्सक्लूसिव ट्रिक फिर से INT हिंदी टेक पर डाली जाएगी। तो अभी जाओ आप फेसबुक पेज को लाइक कर लो, फॉलो कर लो। तो इस वीडियो में हमने आपको क्रिएट के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दिया है और इसमें कौन से वर्चुअल कार्ड काम कर रहा है इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर सूचित करें, मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रियल में क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करना है। तो मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।